हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज आप लोग को फ्लावर की भाजी बना के दिखाऊंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के बटन में क्लिक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्लावर की भाजी के लिए मैं फ्लावर लिया एक, वो छोटा छोटा कट के रखा, पोटैटो कट के रखा, हरा धनिया, टमाटो सॉस, एक कंदा कट के रखा, अदरक लहसुन का पेस्ट और कंदा का पेस्ट, फ्रोजन मटर लिया, आप लोग फ्रेश मटर भी ले सकते हैं, फ्रेश टोमेटो भी ले सकते हैं, मेरे को पसंद है सॉस इसलिए सॉस लिया, रेड चिली पाउडर एक चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया जीरा का पाउडर, फोड़ने के लिए अक्खा जीरा, तेजपत्ता, दो रेड चिली और गरम मसाला, खड़े गरम मसाला धो लिया। बनाने के लिए तेल, अभी मैं गैस ऑन करके कढ़ाई गरम करने के लिए रख देती हूँ। मेरा कढ़ाई गरम हो गया, दो स्पून पहले ऑयल डाल देती हूँ। मेरा ऑयल गरम हो गया, अभी जो फ्लावर लिया, फ्लावर कट के धो के रखा, वो मैं पहले थोड़ा फ्राई कर लूँगी। फ्लावर दे दिया, अभी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक। थोड़ा टाइम 5 मिनट फ्राई कर लूंगी। मेरा फ्लावर फ्राई हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ वही प्लेट में। वही ऑयल में मैं पोटैटो भी फ्राई करके रख दूंगी। पोटैटो भी फ्राई हो गया, अभी वही थैली में मैं पोटैटो को भी उठा के रखती हूँ। वही ऑयल में मैं फोड़ने के लिए तेजपत्ता, रेड चिली और गरम मसाला का जो खड़े मसाला जो लिया मैं, इलायच और दालचीनी वो मैं दे दिया और थोड़ा सा जीरा। ये भून के रेडी हो गया, अभी मैं कंदा दे रहा हूँ। कंदा को थोड़ा सॉल्टी कर लूंगी, ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी। मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट और कंदा का पेस्ट जो लिया सब में एक साथ ऐड करके, थोड़ा सूखा मसाला, पहले हल्दी पाउडर 1 स्पून, धनिया जीरा का पाउडर 2 स्पून और रेड चिली। ये मैं थोड़ा पानी के साथ मिला लूंगी। एक पेस्ट बना लूंगी और वो गरम ऑयल में अभी दे दूंगी। सूखा मसाला जलने का चांस है, इसलिए मैं पेस्ट के साथ, मसाला का पेस्ट के साथ और थोड़ा पानी से
मिला के अभी फ्राई कर लूंगी। अभी मसाला में पहले फ्राई कर लूंगी अच्छी तरह से, और जो फ्लावर पोटैटो सब दिया वो सब फ्राई करके रखा, बहुत जल्दी बन जाएगा। अभी थोड़ा फ्राई करने के बाद टोमेटो सॉस जो लिया वो दे दिया। आप लोग फ्रेश टोमेटो ले लेंगे तो कंधे के साथ ही देने का, कंधा के साथ ही ऐड करने का, क्योंकि उसको पकने का थोड़ा टाइम लगता है। इसमें थोड़ा नमक ऐड कर दूंगी, पहले फ्लावर फ्राई करने का टाइम थोड़ा दिया था इसलिए कम ही दिया, स्वाद अनुसार नमक देने का। अभी मैं जो फ्रोजन मटर लिया वो डाल दूंगी। ऐसे तो फ्रोजन मटर बहुत सॉफ्ट होता है, तुरंत पक जाता है, फिर भी मैं मसाला फ्राई करने को टाइम ही ले लिया। अभी इसमें मैं जो फ्लावर फ्राई करके रखा, फ्लावर और पोटैटो सब मैं एक साथ मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट फ्राई करके थोड़ा पानी ऐड करूँगी। मसाला फ्राई हो गया, अभी मैं पानी देने से पहले 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच थोड़ा मिला लेती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा ग्रेवी के लिए मैं पानी दे रहा गैस बंद कर दिया, मेरा फ्लावर की भजी बनके तैयार हो गया। मैं प्लेट में सर्विंग के लिए रख देती हूँ। फ्लावर की भजी बनके तैयार हो गया, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।